बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आशी और ये मेरा यूट्यूब चैनल है आशी टी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मटन पाई की रेसिपी, जो बहुत ही जल्दी बनाना सिखाऊंगी आपको। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा कि हम पाई किस तरह जल्दी बना सकते हैं। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं 1.5 किलो मटन पानी में डालूंगी और इसमें तकरीबन 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। ये काम मैं सिर्फ और सिर्फ इसे ही खत्म करने के लिए कर रही हूँ, पाए को अच्छे से धोने के लिए। आपने ज्यादा उबालना नहीं है, ज्यादा अगर उबालेंगे तो इसकी जितनी भी गजाइत या इसकी जितनी भी ताकत है वो आप जाया कर देंगे। तो सिर्फ आप 10 मिनट के लिए इसको हल्का सा जोश देंगे। पानी को हल्का सा बॉयल आ चुका है तो मैं अभी इसे रिमूव कर देती हूँ पानी से। तो मैं तमाम जितने भी पाए हैं उसको रिमूव कर दूंगी। इस तरीके से आपकी हीट खत्म हो जाएगी पाए से। अब प्रेशर कुकर में मैं ये मटन डाल दूंगी, जिसे मैंने अभी आपको धोने का तरीका सिखाया था। इसके साथ ही इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी 3 चम्मच। इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 तेजपत्ता, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दूंगी। 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं 2 से 3 लीटर पानी ऐड कर दूंगी। लीटर्स का अगर आपको अंदाजा नहीं है तो आप इतना पानी ऐड करें कि पाए अच्छे से डूब जाए। पानी ऐड करने के बाद इसमें मैं 1 पैकेट शान पाया मसाला ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। मटन पाए की रेसिपी को घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा तो आपकी रेसिपी बहुत ही बेहतरीन बनेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा। अगर आप आर्म्स में बनाएंगे तो बहुत टाइम लेता है। प्रेशर कुकर में आप एक आपको मैं ये टिप दे रही हूँ कि प्रेशर कुकर में हम इसे अच्छे से गला लेंगे, उसके बाद हम इसे बड़े बर्तन में शिफ्ट करके बाकी पाए बना लेंगे। तो ये तकरीबन टाइम 30 से 40 मिनट गुजर चुके हैं। मैं कवर रिमूव करके देख रही हूँ। आपने आराम से आहिस्ता से देख कर कवर रिमूव करना है। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँ। इसमें तकरीबन 1/2 किलो जो है गोश्त ऐड कर दूंगी। मटन का ही गोश्त या साफ गोश्त है, ये बोनलेस है, इसमें ऐड कर दूंगी ताकि बेहतरीन जायका हो जाए। अगेन इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और तकरीबन 1/2 घंटे के लिए अगेन कवर करके मटन का जो मैंने गोश्त ऐड किया इसे भी गला लेंगे। कवर मैंने कर दिया है, अब इसे 1/2 घंटा वेट करने के बाद खोलूंगी। तो 1/2 घंटा गुजर चुका है, मैं कवर रिमूव कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बेहतरीन पाए अपना ऑयल छोड़ चुके हैं। इसके साथ मैं आपको टिप देती चलूँ कि आपने ऑयल का कम ही इस्तेमाल करना है। जैसे आप देख रहे हैं मैं खुले बर्तन में 1/2 कप ही कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। रीज़न सिर्फ इसका ये है, मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगी। इस कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद मैं 2 अदद प्याज इसमें ऐड कर चुकी हूँ। अच्छे से इसको लाइट ब्राउन कर लूँगी, आपने ज़्यादा जलाने नहीं है, गोल्डन ब्राउन करने। इसके बाद इसमें मैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं अच्छे से मैं मिक्स कर चुकी हूँ। अब इसमें मैं 1/2 पैकेट शान पाया मसाला ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर नोट करते जाए, 1/2 पाया मसाला जो है मैं यहाँ ऐड करूँ प्याजों में, और साथ में जो 1 पैकेट है वो मैंने बॉयलर पे भी ऐड किया था। इसके साथ ही मैंने 1/2 किलो दही जो इस्तेमाल किया उसे अच्छे से फेंट लिया और उस मसाले में ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बताती चलूँ, ऑयल को मैंने कम इस्तेमाल के लिए इसलिए कहा था आप लोगों को कि जो पाए होते हैं, पाए जो होते हैं मटन के हों कि बीफ के हों, उनमें खुद का जो कुदरती ऑयल होता है, तो आप जब उसको बॉयल करते हैं तो उसमें बकायदा ऑयल नज़र आता है, जैसे कि मैंने आपको शो किया था। तो आपको बेहतर रहेगा कि आप घर का ऑयल ना यूज़ करें, पाए का अपना कुदरती ऑयल यूज़ करें, तो बेहतरीन और मज़ेदार पाए आपके बनेंगे। प्रेशर कुकर में जो मैंने मटन पाए को जो बॉयल दिया था, उबाले थे, वो उसमें मैं ऐड कर चुकी हूँ। इसके साथ ही मज़ीद 1 लीटर पानी भी ऐड कर दिया, ताकि हम उसे जितना पकाएंगे पानी कम होता जाएगा। जैसे मैं तकरीबन धीमी आंच पे 1/2 घंटे के लिए बॉयल होने के लिए रख दूंगी, ताकि मटन और ये जो न्यू पानी डाला है अच्छे से ही जायका छोड़ दें। तो उसके लिए मैं गार्निशिंग की चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, जो एंड में हम इसे गार्निश करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से मेरे लिए बेहतरीन इनाम होता है। तो तकरीबन 1/2 घंटा गुजर चुका है, आप देख रहे हैं माशाल्लाह से ऑयल जो है पाए छोड़ चुके हैं। यही पकने की इसकी निशानी होती है। तो आप देख सकते हैं मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल मटन पाए बिल्कुल तैयार हैं। खुश रहें, सबको खुश रखें, दुआओं में याद रखें मुझे, मेरी फैमिली को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।